हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी भाई। हमने पढ़ लिया था लैंड रिफॉर्म, हमने पढ़ लिया है जनरल रिफॉर्म, अब आज होगा टेक्निकल रिफॉर्म, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन। भाई ग्रीन रेवोल्यूशन जो मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसका दूसरा नाम क्या है, टेक्निकल रिफॉर्म। तीन रिफॉर्म हम पढ़ेंगे, हम लैंड रिफॉर्म पढ़ चुके हैं, जनरल रिफॉर्म पढ़ चुके हैं, और अब हमारी लास्ट बारी किसकी है, टेक्निकल रिफॉर्म की, जिसका पूरा नाम मतलब क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन 1965। ये ईयर याद रखिएगा, 1965। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब होती है, 1965 में शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको, शुरुआत करते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, ग्रीन का मतलब एग्रीकल्चर, रेवोल्यूशन का मतलब प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, है ना। इट रेफर्स टू सडन एंड स्पेक्टेकुलर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो तुरंत और बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। किसकी वजह से, ड्यू टू यूज ऑफ हाई येल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। किसकी वजह से, HYV सीड्स की वजह से। ठीक है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी, और भी वजह है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है। ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है, क्या, हाई येल्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। मतलब 1965 से पहले हम नॉर्मली जो खेती बाड़ी करते थे, वो नॉर्मल जो बीज होते थे, जो खेती बाड़ी में यूज हो रहे थे, एग्रीकल्चर में जो यूज हो रहे थे, वीट एंड राइस को लेकर, वो सिर्फ नॉर्मली होते थे, जो पहले से हम यूज करते हुए आ रहे थे। लेकिन 1965 के बाद ये डिसाइड किया गया, भैया अब इसको हटा के हमें HYV सीड्स यूज करनी चाहिए। HYV सीड्स का मतलब, ये ऐसे सीड्स हैं जो बाहर से इम्पोर्ट किए गए थे, थोड़े ज्यादा पावरफुल सीड्स होते हैं, इनको हमने बाहर से इम्पोर्ट किया और इनको लगाना शुरू किया करा। इसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी, और भी वजह हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा रेवोल्यूशन था एग्रीकल्चर में, टेक्निकल रिफॉर्म के नाम से जानते हैं इसको। 1965 में शुरुआत होती है इसकी, और इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में तुरंत और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगी। मेन रीजन क्या है इसका, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स की वजह से। क्लियर, आइए। डॉक्टर MS स्वामीनाथन इनके फादर थे, मतलब पूरी जो प्लानिंग थी ग्रीन रेवोल्यूशन की वो इनकी थी, तो कह सकते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये सब आपको डाटा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि MCQs में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन रहे, टेक्निकल रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन को टेक्निकल रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आइए बात करते हैं कि आखिर ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए ताकि ग्रीन रेवोल्यूशन हो सका। तो वेरियस टेक्निकल रिफॉर्म, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर टेक्निकल रिफॉर्म विच आर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने समझाया लोगों को, गवर्नमेंट ने लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे काम करिए जिससे प्रोडक्शन तेजी से ही बढ़ेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। टेक्निकल रिफॉर्म ग्रीन रेवोल्यूशन को, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ी है एग्रीकल्चर की, तो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है उसका, कि HYV सीड्स की वजह से हुआ। HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स की वजह से हुआ ये, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। क्लियर, देखो सिंपल है कि 1965 में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज किया गया, और जो रिप्लेस कर दिया गया उन सीड्स को जो पहले से यूज करते हुआ रहे हैं, मतलब कन्वेंशनल वैरायटीज को जो पहले से हम यूज करते हुआ रहे हैं, जिन वैरायटीज को, उनको हमने रिप्लेस करा, और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को हमने यूज करना शुरू कर दिया। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बारे में डाटा दे रखा है कि 12-13 के, मतलब 2012 एंड 13 में ये देखा गया 3.3 लाख क्विंटल सर्टिफाइड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड डिस्ट्रीब्यूट किए गए पूरे, कहां पर, पूरे एरिया में इस डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, तो 2012-13 के हिसाब से ये देखा गया कि 3.3 लाख क्विंटल सर्टिफाइड सीड डिस्ट्रीब्यूट किए गए फार्मर्स के बीच में, इतने ज्यादा क्विंटल सीड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो प्रोडक्शन कितनी होगी, है ना, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इन प्लेस ऑफ कन्वेंशनल सीड। गवर्नमेंट ने प्रमोट किया कि भैया आप तुम ये HYV सीड्स यूज करना शुरू कर दो, अपने कन्वेंशनल सीड्स, मतलब जो पुराने तौर पे आप जो सीड्स यूज कर रहे थे, अब उनको हटाओ, इनको यूज करना शुरू करो। दिस हैज रिजल्ट, इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप की, वीट एंड राइस की, क्योंकि सबसे पहले वीट एंड राइस में ही इसकी प्रोडक्शन अच्छी खासी हुई थी, और तीन स्टेट थे नॉर्मली, तीन स्टेट, तमिलनाडु, पंजाब और आंध्र प्रदेश, इन तीनों में इसको शुरू किया गया था, तीन स्टेट में, और वीट एंड राइस में ही प्रोडक्शन चालू हुई थी इसकी ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। तो
तो जो क्रॉपिंग थी प्रोडक्टिविटी की वो काफी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हमने क्या नाम दिया इसको, ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दिया। ठीक है, चलिए, तो ये पहला रीजन है प्रोडक्शन बढ़ने, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रोडक्शन इतनी तेजी से बढ़ने का पहला रीजन क्या है, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। आइए दूसरे रीजन की बात करते हैं। दूसरा रीजन क्या है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। भाई गवर्नमेंट ने ये समझाया लोगों को कि यार भैया तुम यार प्रोडक्शन मतलब बढ़ाना चाहते हो तो तुम HYB सीड्स तो लगाओ लगाओ, लेकिन साथ में केमिकल फर्टिलाइजर लगाओ, जिससे प्रोडक्शन आपकी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से होगी। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर लगाते लगाते ये मत भूल जाना कि कंपोस्ट भी है, कंपोस्ट मतलब जो नॉन नेचुरली खाद होते हैं उनको भी यूज करो। क्यों पता, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर लगाने से जो मिट्टी की फर्टिलिटी होती है वो ज्यादा खराब हो सकती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने ये भी इंकरेज किया फार्मर्स को कि वो ना साथ साथ कंपोस्ट भी यूज करें, मतलब जो खाद वगैरह होता है उनको भी यूज करें। ठीक है, तो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज बीइंग इंक्रीजिंगली यूज टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना बहुत जरूरी था, और इसको भी इनिशिएटिव किसने लिया, गवर्नमेंट ने लिया कि भैया आप ये सब यूज करें। यूज ऑफ कंपोस्ट मैन्योर इज ऑल्सो इंकरेज कि भैया कंपोस्ट मैनुअल जो खाद होते हैं उनको भी यूज करो। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज बी प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया केमिकल फर्टिलाइजर यूज करें, और फार्मर को इंकरेज किया कि उसको यूज करें इन द कोर्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के अंदर, ताकि क्या हो सके प्रोडक्टिविटी काफी अच्छे से बढ़ सके। और ऑर्गेनिक मैनुअल को भी बढ़ाने की कोशिश करी गई थी, मतलब लोगों को बोला कि क्या साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जिसमें कोई भी केमिकल वगैरह चीज यूज नहीं होती है, सिंपल तरीके से होता है प्रोडक्शन। ठीक है, तो इनको भी आप प्रोडक्शन करें, लेकिन आज के टाइम पे तो बहुत कम होता है, क्योंकि नॉर्मली सभी लोग HYB सीड्स यूज करके ही प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन होती है उनको फायदा भी होता है ना। चलिए, तो दो पॉइंट हो गए हैं आपके, रीजन क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन के, पहला क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन के मतलब प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने का पहला रीजन है HYB सीड्स यूज करना, और दूसरा क्या है केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना। ठीक है, इससे प्रोडक्शन आपकी काफी तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन क्या सिर्फ ये दो रीजन है, नहीं, एक और रीजन भी है जिसका नाम क्या है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। देखो, आपने HYB सीड्स यूज कर लिया, आपने केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर लिया, इससे आपकी प्रोडक्शन तो काफी अच्छे से हो गई है। ठीक है, काफी अच्छे से प्रोडक्शन हो गई है, लेकिन उस प्रोडक्शन को, उस प्रोडक्टिविटी को जो आपका प्रोडक्शन हो चुका है क्रॉप की, उसको बचाएगा कौन, कीड़े मकोड़ों से, बीमारी से कौन बचाएगा, वो बचाएगा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनिशिएटिव ये लिया और फार्मर्स को समझाया, इंकरेज किया कि भैया तुम जो प्रोडक्शन कर रहे हो ये अच्छी खासी प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन इस पे अगर कीड़े लग गए या फिर बीमारियां आ गई तो खराब हो जाएगा आपका, जो जितना ही मेहनत था वो सब बेकार हो जाएगा, इससे अच्छा क्या करो आप इस पे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की छिड़काव करो, ताकि ये जो खड़ी फसल है आपकी वो एकदम बरकरार रहे। तो स्टेप हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट परफेक्ट परफेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिजीज एंड इंसेक्ट बाय इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। मतलब ये स्टेप लिया गया ताकि जो क्रॉप है वो परफेक्ट रहे बीमारियों से और इंसेक्ट से, जिस किससे होगा ये सब कुछ, इंसेक्टिसाइड से और पेस्टिसाइड से। गवर्नमेंट इज एडवोकेटिंग द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड जुडिसली फॉर प्रोटेक्टिंग द क्रॉप फ्रॉम डिजीज एंड इंसेक्ट। मतलब गवर्नमेंट ने भी एडवोकेट किया, मतलब गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया था इस चीज का, जिससे उन्होंने 14 सेंटर प्लांट ओपन किए, लिखा हुआ नीचे 14 सेंटर प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर ओपन किए गए, हैव बीन सेट अप एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और एक मैनेजमेंट भी तैयार किया गया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटिव टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ पेस्ट अटैक द स्टैंडिंग क्रॉप। जो खड़ी फसल है उसमें जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ उन्होंने ये मैनेजमेंट भी चालू किया था कि भैया अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, मतलब फार्मर अगर उसको आप नहीं कर पा रहे तो हमारे यहाँ पे 14 सेंटर प्लान हमने खोल दिए हैं, ऐसा मैनेजमेंट हमारा तैयार है, तो वहाँ से भी आप मदद ले सकते हो और अपना जो खड़ी फसल है उसको बचा सकते हो, किससे, कीड़े मकोड़ों से, बीमारियों से बचा सकते हो। तो तीन रीजन हो गए ग्रीनवॉशिंग के, पहला तो क्या है प्रोडक्शन तो काफी तेजी से बढ़ी HYB सीड्स की वजह से, और किसकी वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से। अब आपकी प्रोडक्शन तैयार तो हो गई है, अब प्रोडक्शन तैयार होने के बाद उसे कीड़ों से और बीमारी से बचाएगा इंसेक्ट और बीमारी से बचाएगा कौन, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। क्लियर, ये तीन रीजन हो गए। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ रीजन पे। फोर्थ रीजन क्या है, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। मतलब प्रोडक्शन बढ़ने का एक ये भी रीजन है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और फार्मर्स को समझाने की कोशिश करी कि आप एक काम करें, प्रोडक्शन आप करें, पर किस कैसे करें, साइंटिफिक तरीके से करें, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन भी करें। क्रॉप रोटेशन क्या होता है बता देता हूँ, पहले क्रॉप रोटेशन का मतलब समझिए। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि आपने कुछ महीने तो प्रोडक्शन करी अपनी मेन फसल, जिस वक्त की आपकी मेन प्रोडक्शन होती है, जैसे मान लीजिए आप पंजाब एरिया में तो गेहूं की प्रोडक्शन करी है आपने, ठीक है,
चार पांच महीने आपने लगा दिए, 5-4-5 महीने लगा दिए उस पर, बाकी के जो महीने बचे हैं उसमें आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, खेत जो आपका ग्राउंड जो आपका फील्ड है जो खेत खेती है वो आपका खाली जा रहा है, तो आप उस टाइम पे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करें, है ना, उस टाइम पे कुछ ना कुछ उसकी प्रोडक्शन करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5-6 महीने गेहूं उगा रहे हैं तो बाकी 5-6 महीने में अंडरग्राउंड जो होते हैं ना, मूली कैरेट वगैरह जो होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं उसकी प्रोडक्शन कर लें। इससे क्या होगा, मिट्टी की फर्टिलिटी बरकरार हो जाएगी, मतलब मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है ऐसे प्रोडक्शन करने से। तो साइंटिफिक तरीके से आप क्रॉप रोटेशन भी करें, मतलब कुछ महीने कुछ, फिर कुछ महीने कुछ और प्रोडक्शन, फिर कुछ महीने कुछ और प्रोडक्शन, जिससे आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी साइंटिफिक तरीके से। मतलब वहां पे आप जो साइंटिस्ट हैं उनसे ही सलाह ले सकते हैं, अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं लैब से कि आपकी मिट्टी में कौन सी अच्छी प्रोडक्शन हो सकती है, किस कौन सी फसल हो सकती है अच्छी खासी, ठीक है, सब कुछ। अगर ड्राई एरिया है तो वहां पे कौन सी फसल होगी, कौन से बीज लगाए जाएंगे, सब कुछ आप साइंटिफिक तरीके से अगर करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन काफी बेहतर तरीके से होने वाली है। क्लियर? देखो, साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, कि भैया आपको कौन सी क्रॉप करनी चाहिए, कौन सी आपकी प्रोडक्शन करनी चाहिए, किस कौन सी खेतीबाड़ी करनी चाहिए, एंड द क्वालिटी प्रिपरेशन, और आपको कैसे क्वालिटी रखनी है उस चीज की। क्रॉप रोटेशन कैसे करना है, मतलब पहले कुछ महीने कुछ और प्रोडक्शन किया, फिर कुछ महीने कुछ और प्रोडक्शन किया। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, कौन से बीज हम यूज करें अपनी मिट्टी के लिए। ड्राई फार्मिंग, फार्मिंग है ये, फार्मिंग हो गया ड्राई फार्मिंग प्रोडक्शन, और जहाँ सूखा एरिया है तो वहाँ कौन सी प्रोडक्शन हो सकती है, ये सब आप साइंटिफिक तरीके से कर सकते हैं। साथ में अपने अपने गांव के आसपास जो लैब्स होते हैं, किसान लैब, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, कि कौन से क्रॉप्स की सिलेक्शन करें, सॉइल की प्रिपरेशन कैसी रहे, रोटेशन क्रॉप का कैसे कैसे करना है, फर्टिलाइजर कौन सा यूज करने हैं, पेस्टिसाइड कौन सा यूज करना है, ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मतलब अगर सूखा एरिया तो वहाँ कैसे फार्मिंग करेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, अगर एक ही एरिया में हमें बहुत सारी क्रॉपिंग करने हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग उगानी है तो क्या हो सकते हैं, तो ये सब कुछ किस अंदर आता है, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन के अंदर आता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग तरीके के प्रोडक्शन कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, पर साइंटिफिक तरीके से, इससे आपकी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से बढ़ने वाली है। क्लियर? देखो फिर आता है लास्ट, मॉडर्नाइजेशन मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, मतलब कि आप खेतीबाड़ी करें, ठीक है, कल्टीवेशन करें, ठीक है, लेकिन किस तरीके से करें, मॉडर्नाइजेशन तरीके से। मॉडर्नाइज मतलब भाई आप ट्रैक्टर यूज करें, आप हार्वेस्टर यूज करें, आप ट्यूबवेल यूज करें, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके हैं जो मॉडर्नाइज, आज के टाइम बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो चुके हैं। हाँ भैया, आप प्रोड्यूस कर चुके हैं तो उसे कोल्ड स्टोरेज में रखें, ट्रांसपोर्ट का यूज करें, ये सब कुछ क्या है, मॉडर्नाइज तरीका है, किसको, कल्टीवेशन का। तो इसको भी आप यूज करें, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मशीनरी लाइक ट्रैक्टर हार्वेस्टर, इसकी वजह से क्या होता है, दिस हेल्प टू प्रमोट कमर्शलाइजेशन फार्मिंग इन द कंट्री। कमर्शलाइजेशन मतलब बिजनेस, कि फार्मिंग का जो बिजनेस करते हैं, मतलब खेती बाड़ी का जो बिजनेस करते हैं उसमें काफी प्रमोट होगा ये चीज, अगर वो मॉडर्नाइजेशन तरीका अप्लाई करते हैं, ट्रैक्टर हार्वेस्टर यूज करते हैं तो जो कॉस्ट है उनकी, खर्चा जो आता है खेती बाड़ी में वो कम हो जाता है, इससे उनको तो फायदा पहुंचेगा, और फायदा पहुंचेगा तो अगली बार और प्रोडक्शन होने वाली है, है ना। सिंपल है कि मॉडर्नाइजेशन मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। अब देखो फिर से एक बार सारे पॉइंट्स पर देख लेते हैं, कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ी थी उसके 5 रीजन है। पहला क्या था, HYB सीड्स यूज करना, ठीक है, दूसरा क्या था, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना, ठीक है, तीसरा क्या था, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करना, ठीक है, चौथा क्या था इससे पहले क्या था साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन, ठीक है, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन, और पांचवा क्या है, मॉडर्नाइजेशन मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, कि हाँ भैया आप अपने खेती बाड़ी में कौन सा साधन अप्लाई करें, साधन कौन सा, मीन्स मतलब साधन कौन सा, मॉडर्नाइज तरीका, ठीक है। तो इन सबसे आपकी प्रोडक्शन तो काफी तेजी से बढ़नी ही थी, जिसे हमने क्या नाम दिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर? ये हो गया आपका कि ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसके अचीवमेंट बताऊंगा, वैसे इसमें सक्सेस भी रहा था, मैं आपको सक्सेस दिखा देता हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस इन 2 फेज, 2 फेज में सक्सेस रहा है इसका। पहला क्या है कि 60s से 70s के बीच में, मतलब देखो 65 शुरू हुआ था ना 65 में, तो 65-60s के अंदर ही आता है, तो मिड 60s to 70s के बीच में, ठीक है, मिड 60s to mid 70s, 65 से 75 तक इसका पहला सक्सेस फेज रहा। इस सक्सेस फेज में जो प्रोडक्शन हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ किस तक सीमित थी, वीट एंड राइस तक। तो स्कोप ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज डिस्ट्रिक्टली लार्जली वीट एंड राइस ग्रोइंग रीजन
ऑफ द कंट्री, लेकिन कुछ ही स्टेट में, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश जोड़ लेना, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां से स्टार्टिंग की गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की। लेकिन बाद में 75 से लेकर 85 तक के बीच में, मतलब आगे के 10 साल और, इसको दूसरा फेज का नाम दिया गया, यहाँ पे सक्सेस मिली। यहाँ पे क्रॉपिंग जो थी, पहले दो हो रही थी ना वीट एंड राइस की, अब वो क्रॉपिंग बढ़ गई थी, अब मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही थी, अलग अलग वैरायटी क्रॉपिंग हो रही थी, वैसे बाजरा, ठीक है, ज्वार, ये सब भी प्रोडक्शन होने लगे थे, और नंबर ऑफ स्टेट भी बढ़ा दिए गए थे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट भी बाद में बढ़ा दी गई। अब क्वेश्चन ये होता है कि भैया शुरुआत में भैया इन तीनों स्टेट पे ही क्यों शुरुआत की गई, मतलब पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही क्यों शुरुआत करी गई, बाकी स्टेट में क्यों शुरुआत नहीं की गई। बेटा ये जो सीड्स हैं ये काफी महंगे होते थे और इसे हमने बाहर से इम्पोर्ट किया था, तो भैया प्लानिंग ये थी कि पहले एक काम करते हैं, कुछ स्टेट में से शुरुआत करते हैं, जो भी प्रोडक्शन हो जाएगा इस बीजों से, तो वो जो पौधे उगेंगे उन्हीं से बीज निकलेगा, उसी बीज को हम पूरे देश में सप्लाई कर देंगे। तो दिमाग लगाया गया कि भैया पहले इतना खर्चा क्यों करना, एक काम करते हैं थोड़ा बहुत लेके आते हैं पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लगाते हैं, इनसे जो प्रोडक्शन होगी उसे ही पूरे देश में सप्लाई कर देंगे। तो ये है, ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या क्या फायदे पहुंचे, ठीक है, फिर उसके अलावा पढ़ेंगे हम फेलियर्स भी, लिमिटेशन भी, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहिएगा, बाय बाय।